बाबा का ढाबा। शहर के घंटाघर के पास एक बूढ़ा बूढ़ी एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। दोनों एक दूसरे का सहारा थे और किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। आज सुबह से सिर्फ 2 ग्राहक आए हैं और शाम के 5 बज गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो सब कह रहे हैं कि बाजार में मंदी आ गई है, इसीलिए सबकी गिरायकी नहीं चल रही। अरे बुढ़ापे में पैसों के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं तो काम धाम हो जाता है, बिस्तर पर आ गए तो पता नहीं कैसे चलेगा। बेटा बेटी सब छोड़ के चले गए हमको, बस गरीबी ने नहीं छोड़ा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सुनते सुनते हमारी आंखों में अंधेरा छा गया। कल भी बचा हुआ खाना कुत्तों को देना पड़ा था, आज भी यही करना पड़ेगा। रोज की तरह आज भी ग्राहकी नहीं हुई थी। रात को बाबा और अम्मा सड़क किनारे बने अपने ढाबे में ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही एक ग्राहक आ जाता है। बाबा जरा एक चाय और एक कचोरी तो देना। जी भैया, अभी गर्मा गर्म कचोरी तल के दे रहा हूँ। एक ही चाहिए बेटा? आपके साथ आई मैडम जी नहीं खाएंगी क्या? नहीं नहीं, मैं ये सब रोड की चीजें नहीं खाती हूँ, आप इन्हें ही खिला दो। और जल्दी करो ना, रितेश मूवी जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बाबा, लाल चटनी ज्यादा डालना। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता और फिर से सारा खाना वेस्ट हो जाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। और तभी एक दिन एक लड़का वहाँ अपना मोबाइल लहराते हुए पूछता है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम हैं किशनगंज के बाबा के ढाबे पर। चलिए देखते हैं कि बाबा क्या क्या बनाते हैं। बाबा, तो आज क्या खास बनाया है आपने? अरे भैया जी, आज ये समोसे बनाए हैं, कितने बांध दूं आपको। हाँ भैया जी, लाल चटनी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ले लीजिए ना। ये देखिए दोस्तों, समोसे को बांध कर दिखा रहे हैं और ये लाल चटनी को देख के तो मुंह में पानी आ गया, आज तो मजा आ जाएगा। आइए चखते हैं दोस्तों। लड़का समोसा चखते ही तारीफों के फूल बांध देता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, इतना अच्छा समोसा मैंने तो कभी नहीं खाया। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और ये समोसा जरूर खाना चाहिए। और एक चीज, ये देखो, ये रोड साइड पर इनका ढाबा है, इनकी हेल्प तो होनी ही चाहिए। अच्छा वैसे और क्या क्या बनाते हैं आप? बेटा पराठे मैगी सब बनाते हैं। वाह वाह, इतना अच्छा खाना बनाते हो, बहुत भीड़ होती होगी। अरे नहीं बेटा, कोई नहीं आता हमारे ढाबे पे, पैसे पैसे को तरस गए हैं। अरे आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत, क्या हो गया है? अरे बेटा, कुछ बिकता ही नहीं है, आधे भाव में चीजें बेच रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं फिर भी। तो आप दोनों ही हैं, कोई बच्चे बच्चे नहीं है क्या आपके? अरे बेटा, जो है वो हमें छोड़ के कहीं चला गया है, उसके कारण ही हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा हमने इस ढाबे से बनाया था वो सब लेकर भाग गया था। देखिए आप चिंता मत करिए, मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाला हूँ और फिर देखना कितनी जल्दी लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। वो लड़का अपने कैमरा से बाबा के ढाबे का वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है और कुछ ही घंटों में वीडियो में दिए अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। लड़का अगले दिन फिर ढाबे पे जाता है। बाबा आप रोइए मत, पब्लिक ने आपका सारा दुख दूर कर दिया है, आपके खाते में 1 लाख रुपए आ गए हैं। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन भूल जाइए और मजे कीजिए। अरे बेटा, तुम्हारा हम कैसे धन्यवाद करें, तुम्हारे कारण इस दुकान पर आज इतनी भीड़ लगी है, वरना हम दोनों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी।
हरा जुग जुग जियो बेटा, तुमने आज एक गरीब का भला किया है, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देंगे। बाबा की कहानी सोशल मीडिया के बाद टीवी पर भी फेमस हो जाती है और टीवी पर बाबा का बेटा उनकी कहानी देख लेता है और उसकी नजर बाबा के खाते में आए रुपयों पर पड़ती है। 1,00,000 रुपया, वो भी एक दिन में? अरे ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो करोड़पति हो जाएंगे और मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। लगता है यही समय है इनके पास वापस जाने का। 2-3 इमोशनल डायलॉग चिपका दूंगा, दोनों मान जाएंगे। और ये देखकर बाबा का बेटा उनके पास वापस चला जाता है। बाबा, अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब तो मेरी आंखें खुल गई है बाबा। अरे बेटा, कितना याद करते थे तुझे मेरे लाल, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अब कहीं मत जाना। अरे नहीं नहीं माँ, तब तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं, मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबूजी। बाबा काफी नरम दिल के इंसान थे और बेटे के आने की खुशी उनके लिए पैसों से कहीं ज्यादा होती है, वो अपने बेटे को माफ कर देते हैं। बेटा, हम तो कुछ साल में बचेंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं, लेकिन तू मेहनत करके ये ढाबा चलाना, और इसलिए आज से मैं ये ढाबा और ये पैसे तेरे नाम करता हूँ। अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब तू काम करना और हम घर बैठकर खाएंगे। ये कहकर बाबा सारा पैसा अपने बेटे को दे देते हैं और आराम से अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर चले जाते हैं। ढाबे पर काफी भीड़ बढ़ती है। कुछ दिन में ही बेटा काफी पैसे कमा लेता है। एक दिन जब व्लॉगर लड़का वहां पहुंचता है तो देखता है ढाबा बंद है। वो बाबा के पास जाता है। अरे बाबा, आपने अपना ढाबा क्यों बंद कर दिया? ढाबा बंद? नहीं तो। वो लोग वहां जाते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि ढाबा तो पिछले 4 दिन से खुला ही नहीं। बाबा ढाबे को अपने पास रखी चाबी से खोलते हैं तो देखते हैं कि ढाबे में एक बर्तन तक नहीं है। बाबा सर पकड़कर बैठ जाते हैं। हमारे बेटे ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया। पर हमारे पास तो वापस बर्तन खरीदने तक के पैसे नहीं है, बर्तन भी बेचकर खा गया होगा नालायक। बाबा आप चिंता मत करो, आप काफी फेमस हो, लोग फिर से आपकी मदद कर देंगे, बस इस बार अपने बेटे को दूर रखना ढाबे से। अब की बार बाबा ढाबे पे एक बोर्ड लगवाते हैं जिस पर लिखा है सिर्फ बाबा का ढाबा। ये सिर्फ क्यों लिखवाया है जी? ताकि अपने बेटे को पता चले कि ये सिर्फ उसके बाबा का है, उसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं।